अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शांत गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। इसमें तेरी माँ की प्यार की भक्ति, एक बहन की दुआओं की शक्ति और तेरे बापू का आशीर्वाद शामिल है। अरे जनाब, जरा वो शाम तो याद कीजिए जब आपकी सीटी बजती थी। सीटी? हाँ हाँ सीटी, और मैं बेतहाशा भागकर खिड़की में आ जाती थी और फिर आपको देखकर मैं खुद सीटी बजाने लगती थी। दोस्तों, जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस मशहूर हो जाता है तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह स्टार बने, लेकिन अफसोस हमेशा ऐसा होता नहीं है। और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं कर रहा हूं, उनकी माँ अपने वक्त की बहुत खूबसूरत और टॉप की हीरोइन रह चुकी हैं, लेकिन उनकी बेटी फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाई और अपना एक मकाम अपनी माँ की तरह नहीं बना पाई, और वो है द स्वीट क्यूट ब्यूटीफुल सबिया। ओहो डैडी, आई एम सॉरी, बस अब सुनिए, आज हमारे कॉलेज में बहुत मजा आया। अच्छा? अंडे और सरे टमाटर खा खा के राजा बने की तो हालत खराब हो गई। मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस जाती हूँ। अनिता, कैसी हो तुम? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा है, इसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अक्टूबर 1972 में पैदा हुई थी सबिया मुंबई में एक मुसलमान खानदान में। सबिया के वालिद का नाम था कामरान और वो अपने वक्त के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे। सबिया की माँ का नाम है अमिता और अमिता जी अपने वक्त की बहुत मशहूर और खूबसूरत हीरोइन थी। देखिए। आप आई? नहीं। फिर मैं नहीं आती। तुम मत आई। मुझे यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हमसे हाँ, तुम भी जलोगे, साथ मलोगे, रूठते हमसे हाँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबिया के वालिद ने दो शादियां की थी। उनकी पहली बीवी का नाम है मेनका और उनके दो बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है फराह खान, जो आज के जमाने में मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं, और बेटे का नाम है साजिद खान और वो भी एक एक्टर और डायरेक्टर हैं। सबिया ने अपनी स्कूलिंग की मुंबई में और बचपन से ही उन्हें एक्ट्रेस बनने का शौक था अपनी माँ की तरह, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई महज 15 साल की उम्र में जब उन्हें एक फिल्म की ऑफर आई। सबिया की खुशी की इंतहा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि उस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना और बेहतरीन एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के साथ उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। सबिया ने ये फिल्म फौरन साइन कर ली। फिल्म का नाम था अनोखा रिश्ता और सबिया के ऑपोजिट थे करण शाह। अनोखा रिश्ता आई थी 1986 में। दोस्तों, अनोखा रिश्ता हिट हो गई और सबिया के आगे फिल्मों की लाइन लग गई। उसी दौरान सबिया की माँ यानी अमिता जी ने मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया कि फिल्म अनोखा रिश्ता की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने सबिया के साथ बदसलूकी की है, एक बार नहीं कई बार। अमिता जी के स्टेटमेंट से राजेश खन्ना को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबिया का करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब लहर चट्टान से टकराती है तो चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लहर टूट के बिखर जाती है। बस यही हुआ। इस स्टेटमेंट के बाद नतीजा ये निकला कि सबिया के पास जो जो फिल्म की ऑफर आई थी सब उनके हाथ से ओवरनाइट निकल गई, और अनोखा रिश्ता के बाद 4 साल तक सबिया को
कोई भी फिल्म की ऑफर्स नहीं आई और इसकी वजह भी अमिता जी राजेश खन्ना को ही मानती हैं। वो कहती हैं कि राजेश खन्ना ने सभी के पास फिल्मों की ऑफर्स आने ही नहीं दी। लंबे वक्त तक काम ना मिलने की वजह से सविया की उम्मीदें टूटने लगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो स्ट्रगल करती गई और उसी दौरान उन्हें कुछ फिल्में मिली, जैसे बाप नंबरी बेटा दस नंबरी और खिलाड़ी। अरे बात ही ऐसी है, डैडी ने कल जो तेरा हाल किया वो देखने लायक था। अबे ओ शीतल, मैं तेरे डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे डैडी को हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने को मजबूर कर सकता हूँ। मेरे डैडी और तेरे आगे गिड़गिड़ाएं, इम्पॉसिबल। लगा लिया शर्ट। खिलाड़ी सुपरहिट हो गई लेकिन सभिया को इस फिल्म से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ और सभिया ने कुछ छोटी छोटी फिल्में साइन कर ली, ये सोच के कि छोटी फिल्में ही सही लेकिन काम तो मिल रहा है और आगे जाके बड़ी फिल्म भी मिल सकती है। चुनांचे उन्होंने वो फिल्में साइन कर ली और वो फिल्में थी सोने की जंजीर, आजा सनम और कयामत की रात। तो ये तावीज तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है? हाँ। अरे वाह, तुम भी इन तावीजों में विश्वास रखते हो? तो फिर तुम में और शमशेर में क्या फर्क रहा जो दिन रात तावीज लेकर कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाता रहता है? सभीहा फिल्में तो कर रही थी लेकिन वो अपने करियर से मुतमईन नहीं थी। वो बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल्स करना चाहती थी लेकिन अफसोस बड़ी फिल्में तो दूर, उन्हें छोटी फिल्मों में भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए विद अ हैवी हार्ट उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया। सभिया की आखिरी फिल्म का नाम था जय विक्रांता, जो आई थी 1995 में और उसमें सभिया संजय दत्त की बहन बनी थी। भाई जान शेरों की आन। अरे तेरा भाई तुझ पे है कुर्बान। आज राखी है। ओहो, तेरे आने की माफी है। ये ले अपने हाथों से बांध दे राखी, ताकि तेरे प्यार की शक्ति से तेरे भैया की कलाई और भी मजबूत हो जाए। मजबूत नहीं, फौलादी हो जाए। फिल्मों को अलविदा करने के बाद सभिया ने सऊदीया एयरलाइंस ज्वाइन कर ली बहैसियत एरोस्टेस। दोस्तों हम आपको बता दें कि सभिया ने शादी नहीं की, आजकल वो अपनी माँ अमिता जी के साथ मुंबई में रहती हैं और बहुत खुश है और कहती हैं माय मदर इज माय वर्ल्ड और उनका ख्याल रखना मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत है। वाह, तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।